तक जो है परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कि MIL 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स वालों की परीक्षा होगी। इसके बाद जो है आपको सेकेंड सेटिंग में जो LL का पेपर होगा, LL कहने का मतलब ये कि लैंग्वेज पेपर, जिसमें कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मलयाली, बंगाली, भोजपुरी, ये सब जो है लैंग्वेजेस आते हैं। तो अगर आपने जो है 100 मार्क्स का ले रखा होगा ये लैंग्वेज पेपर, तो आपका जो है सेकेंड सेटिंग में परीक्षा होगा। और साथ ही साथ 100 मार्क्स का जिनका भी हिंदी है यानी कि MIL है, उनका परीक्षा जो फर्स्ट सेटिंग में होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट थ्री परीक्षा को लेकर। पार्ट थ्री की परीक्षा की केंद्र सूची जारी कर दी गई है। हालांकि कई केंद्रों का जो है नाम इसमें नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे 29 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से कि कई कॉलेजेस के जो है केंद्र पता ही नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे जो है छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे कॉलेज का जो है सेंटर पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको जो है आपके एडमिट कार्ड पे तो सेंटर लिस्ट छपा ही होगा, लेकिन उससे पहले जो है एक हम आप सभी को जो है सूचना देना चाहते हैं कि आपका जो है लगभग केंद्र वही है जो कि पार्ट टू में था। आपके पास पार्ट टू का एडमिट कार्ड होगा, आप उस पर जो अपना केंद्र देखेंगे कि आपका आपके कॉलेज का मतलब केंद्र कहाँ बनाया गया था पार्ट टू में, वहीं आपका जो है परीक्षा लिया जाएगा। जैसा कि RDS कॉलेज के कई छात्र एवं छात्राएं कमेंट कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज का सेंटर पता नहीं चल रहा है, तो आपको हम ये बता देते हैं कि आपके कॉलेज का सेंटर नितेश्वर सिंह कॉलेज बना है, जो कि नियर बाय देवी मंदिर है, और वहां पे जो आपका परीक्षा होगा आपका पार्ट टू में भी वही सेंटर बना था, तो पार्ट थ्री में भी वही सेंटर बन रहा है। आपके लिए एक और सूची जो जारी किया जा रहा है, मतलब कि एक और प्रेस जो है एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कि RDS कॉलेज को ऐड किया जाएगा। हालांकि इसमें जो है RDS कॉलेज छूट गया था, सेंटर का नाम जो है नहीं डला पाया। तो आप सभी को लेकिन कंफर्मेशन में ये देना चाहता हूँ कि पिछले साल यानी कि पार्ट टू में जो आपका सेंटर था, वही सेंटर जो है आपका इस बार पार्ट थ्री में भी रहेगा। कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं RDS कॉलेज के अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके नाम नहीं दिए गए हैं और उनके सेंटर जो है नहीं बताए गए, इसलिए आपको मैंने कल बोला है वीडियो में कि एडमिट कार्ड का आप इंतजार करेंगे। लेकिन आपका हो सकता है कि फिर से एग्जामिनेशन सेंटर आज नया जो है फ्रेश जारी किया जाए या 2-3 दिनों में जारी किया जाए, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों को जो है आपके हाथ में एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, उस पर सेंटर लिस्ट भी देखने को मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आज नहीं, कल से आपके कॉलेज में वितरण किया जाएगा। तो कल रात तक जो है कॉलेज के ID पे एडमिट कार्ड्स को भेजा गया है, आज कॉलेज प्रिंट करेगी और इसके बाद जो है सिग्नेचर एंड स्टाम्प जो है प्रिंसिपल का लगा करके कॉलेजेस में कल से जो है आप सभी को ऑफलाइन के माध्यम से एडमिट कार्ड आपका जो है दिया जाएगा। एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जरूरी होगी, आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसकी जो है कॉपी की जरूरत पड़ सकती है। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं आपको एडमिट कार्ड देने के लिए, तो आप जो है अपनी सहूलियत के अनुसार जो है लगभग डॉक्यूमेंट्स रख ले, ID कार्ड भी आप अपना जो है रख ले, जिससे कि आपको एडमिट कार्ड लेने में कोई ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो यही है आज की रिपोर्ट। आपको अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे।